नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले आपने क्या थे पार्ट ए का वीडियो देखा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज शो हो रही है, इसके माध्यम से आपको समय समय पे वीडियो अपलोड होती मिलेंगी। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं पार्ट बी का प्रश्न क्रमांक 51। भारत में प्रथम अंग्रेजी अखबार का कौन सा था? तो भारत में पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गेजेट था, जो 1780 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा एमएल राय की साम्यवादी पत्रिका थी? किसान सभा, द वर्कर, बंगवार, अंशुनील। तो ये बंगवार थी। लॉर्ड कर्जन में कर्जन को निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन को निम्न में से किसके जाना जाता है? ऑप्शन है स्थानीय सुशासन, बंगाल का विभाजन 1905, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर है बंगाल विभाजन 1905। क्वेश्चन नंबर 54, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन क्लीमेंट एटली, निवेल चैम्बरलैन, रैमजे मैकडोनाल्ड, कोई नहीं। तो आपका आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड ऑकलैंड, सर जॉन नेपियर। आपका आंसर है लॉर्ड मेयो। एल्बर्ट विल क्या है? एल्बर्ट विल क्या है? ऑप्शन है नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी भारतीयों को नस्लीय भेदभाव से बचाने के लिए, ऑप्शन सी भारतीय सिविल सेवा नियुक्ति में बदलाव, ऑप्शन डी भारतीय दंड न्यायक एवं सत्र न्यायाधीश को यूरोपीय मुकदमों की सुनवाई के लिए सक्षम बनाना। आपका आंसर है भारतीय दंड न्यायक एवं सत्र न्यायाधीश को यूरोपीय मुकदमों की सुनवाई के लिए सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से सही क्रम बताना है, जैसे लखनऊ समझौता, द्वैत शासन की व्यवस्था, रॉलेट एक्ट और बंगाल विभाजन, ये कब हुआ था? तो आपका क्या कहते हैं, सबसे पहले द्वैत शासन की व्यवस्था आई, उसके बाद बंगाल का विभाजन और लखनऊ समझौता और रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास न होने का क्या कारण था? भारी उद्योगों की अनुपस्थिति, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ब्रिटिश नीति। तो इसका आंसर है ब्रिटिश नीति। क्वेश्चन नंबर 59, हंटर कमीशन 1919 की नियुक्ति किसके बाद हुई थी? ऑप्शन ब्लैक होल, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1857 के बाद और बंगाल विभाजन। आपका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया। आपका आंसर है विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 61, बेगम हजरत महल ने कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। आपका आंसर है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 62, पंचशील के सिद्धांत किसने दिए थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड बुद्धा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर अहमद खान, अब्दुल कलाम आजाद। आपका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 64, समझौता संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? बड़ौदा के महाराज, त्रावणकोर के दीवान, हैदराबाद के निजाम या राजा हरि सिंह। आंसर है इसका बड़ौदा के महाराज। भारत की अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। आपका आंसर है लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 67, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1910 में, 1914 में, 1917, 1920। आंसर है आपका 1914। क्वेश्चन नंबर 68, चीन की क्रांति कब हुई? 1901, 1911, 1921, 1931। आपका आंसर है 1911। क्वेश्चन नंबर 69, सबसे पुराना राजवंश अभी भी किस देश में शासन कर रहा है? ईरान, ऑस्ट्रिया, जापान, इंग्लैंड। आपका आंसर है जापान। क्वेश्चन नंबर 70, 1917 से संबंधित है, चीनी क्रांति, ब्रिटिश क्रांति, फ्रांस क्रांति, रूसी क्रांति। आपका आंसर है रूसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 71, क्रीमिया युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चीन व तुर्की, चीन व रूस, रूस व चीन या रूस व तुर्की। आपका आंसर है
रूस व तुर्की। क्वेश्चन नंबर 72, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम, एंड्रयू जैक्सन, थॉमस जेफरसन या जॉर्ज वॉशिंगटन? जॉर्ज वॉशिंगटन, आपका आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है 1945, 1952, 1962, 1977। आपका आंसर है 1945। इसकी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74, स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश की देन है? जापान, मिस्र, रूस, फ्रांस? आंसर है आपका फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 75, राजनीतिक नेता नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड? आपका आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 76, अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1676, 1776, 1876, 1916? आंसर है आपका 1676। क्वेश्चन नंबर 77, बर्लिन की दीवार की 25वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? 2010, 2012, 2014 या 2016? आपका आंसर है 2014। क्वेश्चन नंबर 78, चीन पहुंचने वाला पहला पश्चिमी खोजकर्ता कौन था? मार्को पोलो, जॉन स्मिथ, हर्नान कोर्टे या क्रिस्टोफर कोलंबस? आपका आंसर है मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 79, प्रतिनिधित्व नहीं तो कल नहीं का नारा किसके दौरान उठाया गया था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, अमेरिकी क्रांति? आपका आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 80, पुनर्जागरण सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? इटली, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड? आपका आंसर है इटली। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ओलंपिक गेम्स खेल, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति? आपका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 82, पुनर्जागरण कालीन कलाकारों द्वारा चित्रकला की किस शैली का उपयोग किया गया था? गॉथिक, कैथोलिक कला, ग्रीको रोमन और इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर है ग्रीको रोमन। क्वेश्चन नंबर 83, सोवियत संघ कब टूट गया था? 1961, 1971, 1981, 1991? आपका आंसर है 1991। क्वेश्चन नंबर 84, रक्त और लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बिस्मार्क, नेपोलियन, होचिमिन, सर वाल्टर स्कॉट? बिस्मार्क को। क्वेश्चन नंबर 85, पुस्तक सामाजिक संविदा किसके द्वारा लिखी गई? वोल्टेयर, अरस्तु, रूसो, इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है रूसो। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसके द्वारा बनाई गई थी? पिकासो, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, इनमें से कोई नहीं? लियोनार्डो दा विंची। इनमें से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत, से सबसे अधिक मराठाओं ने विरोध किया अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें आपको मिलान करना है। निम्न में से मिलान कर्नाटक एक्सला सेपेल की संधि और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ इसका? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पांडुचेरी क्रिति और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें? इस हिसाब से आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 89, किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक विषमताओं को बांटने का प्रयास किया? मशीनरी का उन्मूलन, ग्रामोद्योग की स्थापना, ट्रस्टीशिप सिद्धांत या बी और सी दोनों? तो आपका आंसर है बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1857 के विद्रोह का हैदराबाद के निजाम का समर्थन नहीं था? दीनबंधु मित्रा अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे,
सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में आश्रय दिया। मंगल पांडे ने दिल्ली जाने वाले सिपाहियों का नेतृत्व किया। आपका आंसर है 1857 के विद्रोह को हैदराबाद के निजाम का समर्थन नहीं था। और अनएफपी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान किस जिले में है? झाबुआ, अलीराजपुर, टीकमगढ़, इलाहाबाद। चंद्रशेखर क्वेश्चन नंबर 91। चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान किस जिले में? झाबुआ, अलीराजपुर, टीकमगढ़, इलाहाबाद। आपका आंसर है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भाभरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। आपका आंसर है बेलगांव अधिवेशन, जिसकी इन्होंने क्या कहते हैं 1924 में अध्यक्षता की। और त्रिपुरी अधिवेशन आपका 1939 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93। कौन असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। आपका आंसर होगा इनमें से तीनों असहमत थे, नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 94। होम एंड द वर्ल्ड के लेखक हैं? चित्रंजन दास, वीर सावरकर, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 95। अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना। आपका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। मिराट उल अखबार किस भाषा में है? बंगाली, अरबी, फारसी या बी और सी दोनों। आपका आंसर है सी, फारसी। ब्रेजर आयोग किससे संबंधित है? पुलिस में सुधार, सिंचाई में सुधार, शिक्षा में सुधार, नागरिक सेवा। आपका आंसर है पुलिस सेवा में सुधार। क्वेश्चन नंबर 98। पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, सूरत। आपका आंसर है कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 99। 1907 में सूरत विभाजन के बाद 1918 में कांग्रेस विभाजन का कारण था? लखनऊ समझौता, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, एनी बेसेंट का आईएनसी का अध्यक्ष बनना, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, या बी और सी दोनों। आपका आंसर है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 100। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जॉन, आर डी बनर्जी, सर जॉन मार्शल, सर विलियम बेंटिंग। आपका आंसर है सर विलियम जॉन्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आप हमारे किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। धन्यवाद।